जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अक्सर मैंने समुंदर की लहरों से शोर तो सुना है, लेकिन संगीत कहां से निकलता है? वो डिपेंड करता है सर कि कौन सुन रहा है उन लहरों की आवाजें। कोई जाहिल झपट गमट्टा तो नहीं सुन रहा। अगर वो सुन रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ शोर सुनाई देगा, और अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा सेंसिबल सेंसिटिव इंटेलिजेंट आदमी सुन रहा है तो उन लहरों को वो संगीत की तरह सुनेगा। देखिए बरखुदार, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, ये फिल्म जो है हम आलिमो फाजिल लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम रिक्शा चलाने वालों के लिए बना रहे हैं। तो जो चाट बेचने वाले मूंगफली चना बेचने वाले हैं उनके लिए बनानी है, समझे? तो कुछ ऐसा लिखिए जो उनको सुनाई दे। What is this? This is sheer insult of my script. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे आगे देख होता है क्या? मतलब ये कि अभी तो सिर्फ क्रिएटिव टीम ही तेरी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाल रही है, बाद में स्पॉट दादा भी सजेशन देंगे तेरी स्क्रिप्ट में, देख लेना। अरे सो हमारी कहानी शुरू होती है सुबह का वक्त, इट्स अ मॉर्निंग टाइम। अब अरबुति जी एक ठो मिनट, कहना कि सुबह सुबह तो हमको बहुत बहुत ढेर सारा काम होता है, झाड़ू पोछा लड्डू के भैया के कच्चे धोते हैं, आप ना शाम का टाइम रखिए। भाभी जी आप प्रोड्यूसर की वाइफ हैं, आप चाहें तो रात का वक्त भी रख सकती हैं। ठीक बात। एक्सक्यूज मी, भोर 4 बजे का वक्त मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, क्या उस समय मौसम बड़ा ठंडा ठंडा रहता है? हम यहाँ टहलने के लिए नहीं निकले। आप सुबह शाम और रात पे चर्चा कर रहे हैं, ये मेरी कहानी का मेरी स्क्रिप्ट का पहला ओपनिंग सीक्वेंस है, अ सीन है, ग्रैंडियर। तो पता है कि ये ओपनिंग सीन है, लेकिन हमारा जो क्रिएटिव पैनल है उनकी प्रतिक्रियाएं भी तो जरूरी है कि नहीं है? थैंक यू भैया। ये हर बात पे हर वाक्य पे अगर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे तो स्क्रिप्ट सुनाने में मुझे 5 साल लग जाएंगे। आई थिंक ही इज राइट। पहले हम लोग एक बार पूरी स्क्रिप्ट सुन लेते हैं, उसके बाद सब लोग अपने अपने रिव्यूज देंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। That's right. That suits me better. Yeah. भाभी जी पहले विचार व्यक्त होने बहुत जरूरी हैं, वरना ये राइटर जो बड़े कामचोर टाइप के लोग होते हैं, इन्हें तो आप जानते हैं कितने बड़े कामचोर हैं। ये कुछ नहीं करेंगे जो कि तो स्क्रिप्ट जो है सुबह शूटिंग पे चेप देंगे। तिवारी जी वो सब बाद में देख लेंगे, एक बार स्क्रिप्ट तो सुनने दीजिए, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मेरा कैरेक्टर क्या है। आपका कैरेक्टर तो लाखों में एक है। तिवारी जी मैं खुद अपने कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिल्म में मेरे कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, प्लीज। हाँ सच्ची लड्डू के भैया, अभी तक तो हमको रनीता जी को अपना चैप्टर भी नहीं पता। अरे पगली वो कैरेक्टर होता है। हाँ सही पकड़े हैं। हाँ तो वही सुनने के लिए तो बैठे हैं ना। अरे तो तू सुन कहाँ रहा है, इतनी देर से अपनी स्क्रिप्ट सुनाने की कोशिश कर रहा है, तू उसे समुद्र से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा। चलिए फिर समुद्र छोड़िए, सीधा चौपाटी पे आइए। चल ऑलराइट। तो कहानी शुरू होती है, सुबह हो रही है, पॉप हट रही है, और एक हल्क ऑफ अ मैन, हैंडसम डैशिंग गुड लुकिंग, 46 का सीना, 32 की कमर, 22 की बाइसेप्स, 12 की ट्राइसेप्स, 14 की फोरआर्म, लंबे लंबे बाल, नीली आंखें, समुद्र से बाहर निकल रहा है नहा के। एक्सक्यूज मी व्हाट डिड यू से, समंदर से हीरो बाहर आ रहा है? या हमें लगा कोई सिजलिंग हॉट एंड हैपनिंग सी हीरोइन बाहर आएगी ऐसे अदाएं दिखाती हुई। दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, यस ऑफ कोर्स ऐसा होता है फिल्मों में, इट हैपेंस, नॉर्मली पानी से हीरोइन निकल के आती है, लेकिन माय फिल्म, मेरी फिल्म डिफरेंट है, इसमें पानी से हीरो निकल के आ रहा है। ही इज कमिंग आउट ऑफ द वॉटर। ले इसे तो आप पानी से निकलती हुई भैंस दिखा देते। वो बेटर रहता। मेरे ख्याल से रूसा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हीरो को सूट पहनाकर समुद्र से बाहर निकलवाया जाए तो मजा आ जाएगा।
दिस इज रिडिकुलस. मतलब हीरो सूट पहन के पानी से बाहर आएगा? आर यू मैड? व्हाट आर यू टॉकिंग? दिस इज रिडिकुलस. वाओ तिवारी भैया, क्या आइडिया है. प्रेम भैया समुद्र के पानी में से सूट पहन के बाहर निकलेंगे तो कैसे लगेगा? वो नमकीन नमकीन लगेंगे डेचिंग से. कछु बाबा नहीं और कछु नमकीन भी नहीं. आप क्या बोले रहे भरभूति जी कि जो आपका हीरो है उसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं? क्या भाभी जी, उसके लंबे लंबे बाल हैं. He's got long locks. हाँ तो वो समंदर के नमकीन पानी से नहाएगा, वो पानी से बाहर निकलेगा तो उसके बाल तो खराब हो जाएंगे ना. ओह माय गॉड, अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं. नमकीन पानी से बाल खराब हो जाते हैं और बहुत बहुत उलझ भी जाते हैं. आई टेल यू, एक बार मैं मुंबई गई थी, वहां पे ऑफ कोर्स मुझे समंदर में जाने का मौका मिला. लेकिन मैं जब नहा के निकली ना तो मेरे बाल इतने उलझ गए कि मैं सुलझाते सुलझाते परेशान हो गई थी. सीरियसली आइडिया, अनीता जी आपको नारियल तेल लगाना चाहिए था. वो बस सडनली प्लान हुआ अंगूरी जी और जोश जोश में मैं बस चली गई. कुछ भी तैयारी नहीं की थी, स्टूडेंट लाइफ. वैसे भाभी जी का सजेशन अच्छा है. अगर हम हीरो के बालों में नारियल तेल डाल के उसे समुंदर से निकालेंगे ना तो हीरो के बाल उलझेंगे नहीं, बिल्कुल चिपके रहेंगे हमारी बालों की तरह. क्या बात है बाद साहब, गुड सजेशन है, गुड सजेशन. वैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है. हाँ बोलो मेरे बेटे. क्यों ना हीरो के सर पे बुलडोजर चलवा देते हैं. What? मेरा मतलब है कि मैदान साफ करवा देते हैं, ना नोमन तेल होगा ना राधना चाहिए. ये क्या बात कर रहा है आदमी यार, मतलब मेरे हीरो के सर पे बाल नहीं होंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों पॉसिबल का नहीं है? और आप हमारी क्रिएटिव टीम के साथ बदतमीजी करने वाले होते कौन है यार? बदतमीजी मैं नहीं कर रहा हूँ, बदतमीजी आपकी ये सो कॉल्ड क्रिएटिव टीम कर रही है. कल इन्होंने मेरी कहानी से तिल उखाड़ दिया, आज ये मेरे हीरो के बाल उखाड़ रहे हैं, पर कल को पता नहीं क्या क्या उखाड़ेंगे ये. अरे तो तेरे बाल थोड़ा ही उखाड़ रहे हैं, हीरो के बाल उखाड़ रहे हैं, तू इतना क्यों चढ़ रहा है? उखाड़ दे. देखिए भभूति नारायण मिश्रा जी, हमारी क्रिएटिव टीम जो कह रही है वो आप करिए, वरना आपके जैसे झोला छाप राइटर्स और भी बहुत से हमारे पास. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री.